हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ गाइड। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा एक साल से बड़ा है और वो रो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक रीज़न बताने वाली हूँ, क्योंकि इसकी वजह से भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो हर टाइम घर पर इधर उधर घूमने के साथ साथ बाहर भी टाइम घूमने में ही बिताते हैं। बच्चे दिन भर भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो इतने छोटे होते हैं कि बच्चे बता नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें पेन कहाँ पर हो रहा है, तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ साइन भी देते हैं कि पैर है, या मतलब अगर बोलने लगा आपका थोड़ा थोड़ा बच्चा तो वो बोलेगा पैर में, या कुछ भी मतलब इस तरीके का उनका रिएक्शन होता है, जिसे आपको समझना चाहिए कि उनके कहाँ पर पेन हो रहा है। क्योंकि हमेशा उनके पेट में ही दर्द नहीं होता है, उनके पैरों में भी दर्द होता है। एक्चुअल में वो बड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में दर्द रहता है। तो आपको उनके पैरों की मसाज ज़्यादा करनी चाहिए, रात में सोते वक्त तो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि बच्चे को आराम मिले और वो आराम से सो पाएँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।